गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर व्लॉग। ऑलरेडी 11:30 हो गए हैं, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। वैसे तो मेरी आज की छुट्टी थी, बट मुझे किसी का फ़ोन आया ऑफिस से ही कि प्लीज़ आप अपनी छुट्टी दे दो, हमें अर्जेंट काम है, आप कल ले लेना। तो जैसे मैंने कियत के बर्थडे पे ली थी, ऐसे आज किसी को ज़रूरत है तो मैं मना नहीं कर सकती। तो मैंने फटाफट बोला ठीक है, और उसकी जिसकी आज मुझे करनी है ड्यूटी उसकी 1:30 से है। ऑलरेडी 11:30 हो गए, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। मुझे रोटी सब्ज़ी मम्मी का नाश्ता घर संभालना नहाना धोना सब कुछ करना है इन 2 घंटों में। तो बस मम्मी की रिविजिट है डॉक्टर के पास। आज मैंने मम्मी को फटाफट, मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने फटाफट मम्मी को नाश्ता दे दिया, चाय दे दिया और बैम्बिनो दे दिया। अभी सीरत सो रही है तो शायद मेरा ज़्यादा जल्दी जल्दी हाथ चलेगा। मैंने रेडी कर लिया मिक्स वेज, मतलब अभी इसको कवर करूँगी तो ये बनेगी। बाकी उसके बाद ये बर्तन देख के फिर आटा गूंथ के फिर बाकी मैं कमरे में घुसूँगी काम करने के लिए। तो यार मुझे ना सीरत की एक चीज़ इतनी क्यूट लगती है, मेरे को लगा कि आपसे भी शेयर करनी चाहिए। मतलब मैं अगर चाहूँ भी ना कि आज इसको डांटना है इसकी किसी गलत हरकत पे या कुछ ऐसा करना है, तो मैं वो कर ही नहीं पाती हूँ। तो मैं इसको डांट ही नहीं पाती क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी हरकतें करती है। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर ये दोबारा भी करके दिखाएगी तो देखना। सीरत आपने सॉक्स गिराई है ना सारी, सॉक्स का डब्बा आपने नीचे गिरा दिया ना सारा, अब पिटाई होगी, अब पिटाई होगी, अब कोई नहीं बचा सकता, अब पिटोगे आप। ये देखो इसको बोलती हूँ ना, अब पिटोगे, अब कोई नहीं बचाएगा ये वो। तो ये आके मुझे हग करती है और एक किस करती है, अब पिटोगे, अब पिटाई होगी आपकी। तो ये मुझे ऐसे गले लगा के, ये इसका सॉरी का जेस्चर होता है, तो मैं इसको फिर डांट ही नहीं पाती है ना लद्दू। दादी मम्मा आ गई, दादी चलो मम्मी भी आ गए हॉस्पिटल से, बेल बजी है, खाना वाना देती हूँ मम्मी को, बाकी मेरी जॉब भी चल रही है साथ में। बस रात के बज गए हैं 1, मैं भी फ्री हो गई हूँ, अंकित भी घर आ गए हैं। हमने मम्मी का बर्थडे कुछ अच्छे से मतलब डिनर विनर करके सेलिब्रेट नहीं किया। पहली चीज बर्थडे कुछ वैसे डिनर वगैरह करके सेलिब्रेट नहीं किया, पहली चीज तो ये थी कि डॉक्टर ने उसको बोला था कि वो बाहर नहीं जा सकते और डिनर करना है तो बाहर जाना पड़ेगा, तो डॉक्टर ने बाहर जाने के लिए मना किया है। तो हमने सोचा है मम्मी थोड़े से ठीक हो जाए, 4-5 दिन का रेस्ट और है, उसके बाद डिनर कर लेंगे। दूसरी चीज़ ये थी कि मेरी जॉब थी, तीसरी चीज़ ये थी कि अंकित भी जल्दी नहीं आ सकते थे क्योंकि कल जल्दी आए थे केक कटिंग सेरेमनी के लिए, तो वो भी जल्दी नहीं आ सकते थे। बाकी हम सब तो कैसे ना कैसे मैनेज कर ही लेते, बट हमारा सबसे बड़ा रीज़न जो है वो यही है कि मम्मी को डॉक्टर ने बाहर जाने के लिए भी मना किया है, इसीलिए। तो मैंने और मम्मी ने घर में ही बना के खा लिया, मतलब जो भी हमें खाना था, मतलब तोरी हमें बहुत पसंद है, तो मैंने और मम्मी ने तोरी की सब्ज़ी खा ली और रोटी खा ली है। बाकी मेरे को बहुत गंदे वाला कोल्ड हो गया है, तभी आए हैं। बताओ किसका बर्थडे ऐसा होगा, मतलब कैसा बर्थडे मनाया तुमने? तो अब इनको एज यूजुअल जो तोरी है वो नहीं खाएंगे, तो अब इनके लिए मैंने ऑर्डर किया है रोल और मोमोज जी। सॉरी, गॉड ब्लेस यू, इतने गंदे मन से बोला ना, तो बस वो इसको 1, 2, 3 हाय गज्जी। तो बस ये आए हैं, बाकी वैलेंटाइन डे है, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको आते ही इतनी वो करी है मेरे साथ गुआ छिच्छी, क्या बताऊँगा आपको। ठीक है, क्या गुआ छिच्छी करी मैंने तेरे साथ, ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आते ही ना सबसे पहले, मतलब बाहर से कोई बंदा आता है सुबह का गया हुआ, सुबह का नहीं 2 बजे का गया हुआ, दोपहर का गया हुआ, तो उसका पहले हाल चाल या पानी पूछा जाता है। मेरे साथ पता है क्या होता है, घर आते सबसे पहले मेरा फोन ले लिया जाता है, फोन मेरा पूरा स्कैन होता है अच्छे तरीके से चेक होता है, और उसके बीच में अगर मैं टोक दूं तो फोन, ये जो तुम्हारी नाक फूल रही है ना टेढ़ी मेढ़ी सूप घटिया सी, इससे ही पता चल रहा है कि तुम किस लेवल का झूठ बोल रहे हो। और ढंग से बैठो, तुम कोई पासपोर्ट ऑफिस में नहीं जा तुम्हारी फोटो खींच रही है, नॉर्मल बैठो अब। ठीक है, और कुछ है इंसान? शादी से पहले मेरे पापा ने तुम्हें, शादी के बाद फेरे के टाइम पे मेरे पापा ने सिर्फ तुम्हें 3 चीजें सिखाई थी, तुमने आज तक वो भी याद नहीं रख पाई। तेरे पापा ने 3 चीजें सिखाई थी मेरे को विदा करते रहे, पापा ने 3 चीजें नहीं बोली थी तुम्हें? हाँ बोली थी ना, बताओ क्या क्या बोली थी। कि मेरी बेटी को दवा दारू की कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पहली बार दवा दारू की, हाँ दारू की स्पेशल बोला था उन्होंने, मैंने ठीक है जी, इसलिए मैंने बाहर के अंदर सारी बोतलें रखी है, मैंने कहा जब मर्जी मना करे तू पी, जो तुम ही खाली करते रहते हो मैं पीता हूँ, फिर आगे ठीक है। दूसरी उन्होंने ये बोला था कि बेटा ये बहुत कम खाती है तो इसका खाने का ख्याल रखना, लेकिन अब पता चलता है कि भैया
लड़की के बाप की तरह मेरे बाप ने मेरे बाप क्यों होते पापा, मैं सारे शब्द बोल रही हूँ, बाप पिताजी डैडी फादर, बाप भी बाप होता है, नहीं बाप बाप होता है वो ठीक है, लेकिन पापा को सिखाया था, इनको सिर्फ तीन चीजें बोली थी पर इनको समझ नहीं आई, पापा ने इनको बस यही बोला था बेटा मैंने सच बताया पहले, कभी भी कोई रात को तुम्हारी लड़ाई हुई थी जैसे इनने अभी आते मेरे से की है, मैंने लड़ाई नहीं करी आती, सबसे पहले इनने मेरा फोन स्कैन करना शुरू कर दिया, पति से पूछ रही थी पानी पीना है, नहीं पहले फोन दो फोन चेक करूंगी, फोन के अंदर ऐसा क्या होता है भैया, सरासर झूठा, इवन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं तो चाहती हूँ फोन में कुछ मिले, जाओ ब्रो मतलब जाओ अके, तो फिर ये पति को ही भाई बनाने पे तुली होती है ब्रो, ये आजकल यार ट्रेंडिंग वर्ड है ब्रो, तो मेरे मुंह से निकल जाता है, बिग बॉस ज्यादा देखती हूँ ना, तो तीन चीजें ही पापा ने सिखाई थी, पहली चीज अंकित को पापा ने बोला था बेटा कभी भी कोई लड़ाई हो तो बेड पे सोते टाइम हमेशा उस बात को खत्म करके सोना है, उन्होंने वो नहीं सीखा वो मैं तो बात देखो पहले खुद तो थी, कोई लड़ाई होती है वो हफ्ते तक चलती है हमारी, पापा ने तुम्हें सिखाई खाली, ये जब से वीडियो चालू हुई है ना तब से मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज, अगर ये दिखा दूं ना मैं पीछे हमारे पीछे क्या हुआ है ये तो दिखा नहीं सकते, मिलियंस में व्यूज है, मिलियंस में चले जाएंगे अगर मैंने ये दिखा दिया पीछे ये लड़की करके आ रही है बदतमीज। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि पहले तीन बातें बोल दो अपने पापा की, पहले मैं बताऊंगा, दूसरी चीज मेरे पापा एक पहली बात बता दोबारा बता, मैं उसको पहले एक्सप्लेन करूंगा, नहीं पहली बात हाँ तूने जो बताई अंकित मेरे को सर, ये पहले जब से हमने वीडियो बनानी शुरू करी है तब से हमारी लड़ाई होती है, तो मिनटों के अंदर खत्म हो जाते वीडियो बनाते बनाते एंड होते होते, पहले क्या होता था हमारी लड़ाई होती थी ना तो हमारी लड़ाई हफ्तों तक चलती थी, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे हफ्ते तक कोई वो नहीं होती थी ना बातचीत वगैरह सब कुछ बंद हो जाता था खाना पीना ये। दूसरा मेरे पापा ने इसको ये सिखाया था बेटा हमेशा झुकना सीखना प्रिया के आगे, मतलब ऐसा नहीं है कि झुकने से छोटे हो जाओगे ठीक है, और पापा ने कहा था प्रिया के आगे, प्रिया की आईडी इतनी छोटी है मैं इसके सामने झुकूंगा मेरी, आप छोटे नहीं हो जाओगे, कुछ नहीं निकलेगा कि आप रिश्ता निभाने की एक चाहत रखोगे, और तीसरी और फाइनल बात मेरे पापा ने इनको बोली थी प्रिया तुम्हें कभी भी कुछ भी, तेरा नाक लगा हुआ है वो सबके लगा हुआ है तुम्हारे भी है, तुम्हारे कोई थेपला नहीं लगा हुआ, तो पापा ने इनको तीसरी और फाइनल बात ये बोली थी बेटा प्रिया कभी भी तुम्हें ऊंची आवाज में तुम पे चिल्लाए या तुमसे लड़े ना तो पलट के कभी जवाब मत देना, बस ये बोलना है हां जी ओके, पलट के जवाब देने का मतलब ये नहीं कि आप जवाब नहीं दोगे तो आप छोटे हो जाओगे, इसका मतलब ये है कि आप उस इंसान को अपनी जिंदगी में चाहते हो, आप अपना रिश्ता बताना चाहते हो, ऐसे रहेगा तो हमेशा तेरा रिश्ता बेटा सातों जन्म चलता रहेगा, यही मैं तेरे सास के रिश्ता यही मैं तेरे सास के साथ फॉलो करता हूँ, यही तू प्रिया के साथ फॉलो करता, झुकना है प्रिया के आगे, प्रिया कुछ भी बोलेगी। प्रिया एक चीज बता, कल तो तेरे नो लुक थे, नो लुक थे, तूने तो बोला था नो मेकअप, अच्छा वो उस दिन वाला नो मेकअप था, तो आज कौन सा लुक है, अच्छी लग रही है ना, आज दो मेकअप लुक है, दो कैसे है, धो, अच्छा धो है, धो देखो जब मेकअप करते हैं तो नो मेकअप लुक होता है, जब कुछ मेकअप नहीं करा होता तो वो धो मेकअप लुक होता है, लड़को लड़के जितने भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं लड़के और आदमी वो इस चीज को इजीली अपने आप से रिलेट कर सकते हैं, जब उनकी शादी होती है उनको बीवी मिलती है नई नई, जब दुल्हन के उसमें होती है पार्लर से आती है तो नो मेकअप लुक में होती है, लड़के कहते हैं ओए होए होए होए, जैसे ही रात होती है फिर वो अगली सुबह मिलती है तो नो मेकअप है, ये क्या था कल देखा था कुछ छोड़ था आज कुछ छोड़ निकल गया, नो मेकअप देखा था फिर वो धो मेकअप हो जाती है, मेरे साथ भी ऐसी हुआ था मेकअप अभी अगर व्लॉग में भी देख लो ना तो ऐसा लग रहा है चांद में शेर सुना दो किसी ने मेरे पे बोला था, अरे वो कुछ लोगों को ना अपने ऊपर इतना गुरूर होता है ना वो यही है, क्यों ना करूं मैं अपने आप गुरूर, दिल के अच्छे बनो दिल के, शक्ल क्या शक्ल वाले तो फिर पता ही आप लोग, ऐसे इंसान है आंखें खोल लो सबको पता है तुम नहीं सो रहे, आज मम्मी का बर्थडे है मेरी थोड़ी सी अभी चैट फंसी हुई है तो इन्होंने मांगा केक, ठीक है इन्होंने बोला केक दे दे, मैंने बोला मेरी अभी चैट फंसी हुई है मेरे को पांच मिनट दो मैं तुम्हें केक देती हूँ, वो मम्मी जो पेशेंट है उनको बोल रहे हैं ये मम्मी केक गर्म कर दो, तो मैंने इनको बोला तुम्हें शर्म नहीं आती तुम उनको बोल रहे हो केक गर्म कर दो, उनको रेस्ट करने दो, आंखों में जितनी बार पलक झपकाते हैं वो जो टाके होते हैं जब तक डिजोल्व नहीं होते वो इरिटेट करते हैं, तुम खुद कर लो, उठ रहे हैं मम्मी को कह रहे हैं मम्मी मुझे नहीं खाना, फिर मैंने इनको घूरा कि मतलब तुम्हें गर्म करना पड़ जाए तो इसलिए तुम बोल रहे हो कि मुझे नहीं खाना, मुझे जो डिप्लोमेटिक लोग होते हैं ना इन पे इतनी खुंदक आती है, इतनी आंखें खोल लो क्यों क्यों हुआ कहाँ है मम्मी, तो बंद
बंदा सो रहा हो उसको अच्छे तरीके से हिला के उठा देती है। इतना एनर्जेटिक बंदा देखा है उठता हुआ कभी? कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम उनको बोल रहे हो केक गरम कर दो, तुम खुद कर लो। जब तुम्हें कब तुम मतलब कंटेंट बनाने जब तुम्हें खुद गरम मम्मी अंकित ने बोला ना आपको केक गरम करने के लिए मना कर दिया, सुना नहीं? नहीं खुद गरम कर लो। जब मैंने बोला तुम्हें शर्म नहीं आ रही, कह रहे मम्मी मुझे केक ही नहीं खाना। अब आप लोग एक बार इनकी इंस्टा आईडी पे जाओ और मम्मी का बर्थडे है वहां ये क्या लिख के आए हैं, मावा ठंडिया चावा जन्नत तुआडे चरना विच होर किथे नहीं। मतलब अभी वो बीमार है, अभी वो बीमार है तो तुम उनसे केक गरम करा रहे हो। स्टेटस तुम लगाओगे जन्नत तुआडे चरना च, इससे अच्छा काम कर लो ना, गरम करने पर विश्वास रखो, रेस्ट दो उनको। फिर ये हैप्पी मदर्स डे पे ऐसे एकदम से फूल निकलेंगे पूरे साल के बाद एकदम से। यार ये कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी कर लेती है भैया। तूने नहीं लगाया मम्मी के लिए ऐसा, तो अड्डे चरना च दिन है रात मेरी बेड़ा च, नहीं लगाया? मेहनत करने के बाद मैं थक के सो गया था, तब भी इसने मेरे को उठाया, अब भी मैं सो गया था भैया। एक ये और उसके बाद तो बंदा दूसरा सो रहा है, नींद में है, सपनों में है, उसके लिए तो कुछ ही बोलते रहो बस। ये अलोम विलोम ही करती रहेगी बाबा राम देव की तरह। बहुत ही अभी दो गुना आदमी है, दो गुना, मैं दूसरा वर्ड नहीं बोल रही, दो गुना आदमी है, अभी आपके सामने कर रही ये रहा पेट, तुम्हारी बदबू आ रही है ये रहा पेट, ये ऐसी है पेट के अंदर वो भी उठा लेती है, क्या बोलते हैं उसको, बवंडर जो रामदेव बाबा उठाते थे, रामदेव बवंडर उठाते हैं उनके चरणों की वो यूं करके घुमा देते पेट। मम्मी से केक मंगाया जबकि उनकी आंखों पे लगी है। मैंने नहीं खाना, जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो? तूने कहा है गरम कर दो, मैं सो गया था यार, ये क्या बात हुई? मम्मी ने बोला ना तूने कहा है गरम कर दो, सुना अब सुना। और इनका स्टेटस देखना अभी इंस्टाग्राम पे, माँ तो अड्डे चरना च धरती मेरा आसमान ये वो, और जब उनको लगी है तब केक गरम मम्मी से करा लो। मैंने चेटा डाला, चलो वो डाल दिया, लेकिन इसके मुंह से ऐसे लग रहा था जैसे मैं धरती वाली की बात कर रहा था। अच्छा उठ ना, उठ पकड़ मम्मी, रहने दो जैसे खाना है वो अपने आप ले लेगा, रहने दो। ये मम्मी ये नहीं पीनी, ये नहीं पीनी, डॉक्टर ने बना करा है मैं। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कल मेरा ऑफ है, अगर मैं कहीं जा पाई तो मैं पक्का एक अच्छा सा ब्लॉग बनाऊंगी, वरना ऐसा ही बनाऊंगी। और मम्मी को विश करने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। सॉरी इसको तो भूल ही गए थे हम। बाय, वीडियो को लाइक करना, बोल लाइक, शेयर चीज, ऐसे लाइक लाइक लाइक, शेयर चीज, सब्सक्राइब क्लिक, कमेंट का बाय 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 लाइक ऐसे वाह मा बाय बाय।